रहमान रहीम, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी। नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं और अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और एक अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़ायद जो है वो नौजवान हैं। लेकिन नौजवान सरमाया उस वक्त होते हैं जब वो प्रोडक्टिव हों। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जहाँ पर डी ट्रैक हो रहे हैं वहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक ख़तरनाक हद तक वो नशे के आदी हो रहे हैं और नशे के अंदर उसमें अनपढ़ लोग नहीं हैं बल्कि पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूलों के और बड़े बड़े इदारों के बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। और मेरे नॉलेज में बात आई है, मेरे साथ एक ऑफिसर ट्रैवल कर रहे हैं जो शेखुपुरा से हैं, कि एक साल के अंदर जो 21 साल से 25 साल तक के 7 बच्चे एक शहर से वो आइस का नशा की वजह से, ओवरडोज की वजह से वो इस दुनिया से वो चले गए और उनके ख़ानदानों पे क्या बीती होगी उसका अंदाज़ा वो लगा सकते हैं। और फिर उन्होंने एक और ख़तरनाक बात बताई कि उनके पूरे ख़ानदान जो है वो लड़के और लड़कियां वो नशे के आदी हो चुके हैं। तो मेरी इस फोरम के थ्रू रिक्वेस्ट होगी अदारों से, हुकूमत से, खुदारा इन नौजवानों को बचाएँ, वालदैन से कि उन बच्चों पे नज़र रखें, सोसाइटी से कि उनको वो खुला मत छोड़ें। और ये जो जगह जगह जो ये जो कैफ़े बन गए हैं और बच्चे सारी सारी रात लड़के और लड़कियां वहाँ पर वो चाय खानों के अंदर और होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर रहते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि आज के नौजवानों का ये कल्चर है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसको एड्रेस ना किया गया हुकूमत की सतह पर, अदारों की सतह पर और वालदैन और असातिज़ा और मुआशरे की सतह तक, तो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है नशे का ये नौजवानों को के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है और इस वक्त भी इसकी सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि इंटरवीन करना चाहिए अदारों को और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस घिनौने काम के अंदर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। और हम जो पेरेंट्स हैं और असातिज़ा हैं, सारे स्टेक होल्डर्स इसमें अपना अपना रोल प्ले करें और वालदैन को खुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि बच्चों पे वो पूरी तरह नज़र रखें ताकि वो किसी तरह कि वो नशे के आदी ना हो सकें, अपने इस अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस माशरे के लिए वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पर वो अपना रोल प्ले कर सकें। बहुत शुक्रिया।